हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एजुड्रीम क्लासेस। आज हम आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजिशन एट अ पॉइंट। मतलब कि एक एक्सप्रेशन डिराइव करना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसके कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। डायपोल से आपको समझ में आ रहा है कि दो पोल्स होंगे उसके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाता हूं कि दो पोल्स हमने बना दिए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो अगर मैं यहां बोलता हूं बेटा कि ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस क्यू। चार्ज दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, बट अपोजिट होंगे। ये प्लस 5 है तो ये माइनस 5 होगा, ये प्लस 10 है तो ये माइनस 10 होगा। कितना के टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख दिए गए, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं 2a। ये सब मिड पॉइंट है। तो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख दिए गए हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम बना बेटा, इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे डाइपोल। तो बहुत आसान है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, उसे हम देखोगे। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, कंपल्सरी कंडीशन क्या है बेटा? दोनों चार्ज इक्वल होने चाहिए, बट नेचर उनका अपोजिट होना चाहिए, और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो ये जो सिस्टम बन जाता है, इस सिस्टम को ही हम कहते हैं बेटा डाइपोल। इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं। तो ये हो गई बेटा आपकी डेफिनेशन कि व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, दैट सिस्टम इज डाइपोल। अब हमें क्या देखना है बेटा, इस डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर, कहां पे बेटा? एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूं बेटा। एक एक्सियल पोजीशन होती है कि ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है, अगर हम उसे आगे बढ़ा दें तो ये कहलाता है बेटा एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसे हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हमें क्या बोला बेटा, एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट है, तो हम कहते हैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और यहां पे इसका एक्सिस ये हमने बना दिया। तो इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, मतलब पॉइंट पी पर ई निकालना है हमें। ठीक है बेटा, आप सब जानते हो बेटा डाइपोल ये प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मानी है? 2a। ये सेंटर है, इस सेंटर से हम डिस्टेंस इस p पॉइंट की क्या ले लेते हैं? r। p पॉइंट से इस डाइपोल के सेंटर की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? r। कि r डिस्टेंस पर ये पॉइंट p रखा हुआ, तो
अब ध्यान से सुनना कि इस P पॉइंट पर ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। तो इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें वो फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज, ये टेस्ट चार्ज होगा, यहाँ पे भी कोई चार्ज रखा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? यस, सेम चार्ज रिपल करेंगे, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्लियर। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज इस पी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा होगा तो उसे क्या करेगा, रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, हाँ अट्रैक्ट करेगा। तो वो उस पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है बेटा, इधर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ई ड्यू टू माइनस क्यू, ई ड्यू टू माइनस क्यू। अच्छा, एक इसे 10 के फोर्स से धक्का दे रहा है और एक इसे 7 के फोर्स से खींच रहा है, तो बेटा इस पे क्या इफेक्ट होगा इस पॉइंट चार्ज पे? 10 के फोर्स से धक्का दे रहे हैं, 7 के फोर्स से खींच रहे हैं, तो बेटा ये क्या होगा, आगे इसको धक्का लगेगा, कितने फोर्स से? 3 के फोर्स से। बेटा प्लस क्यू चार्ज उसे धक्का दे रहा है, माइनस क्यू चार्ज से खींच रहा है, 10 के फोर्स से उसे आगे बढ़ा रहा है और 7 के फोर्स से आप पीछे खींच रहे हो, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, 3, है ना, और 3 के फोर्स से वो आगे जाएगा। इतना समझ में आया? तो मतलब रिजल्टेंट कुछ बनता है, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा E, वो क्या हो जाएगा बेटा, E ड्यू टू प्लस Q माइनस E ड्यू टू माइनस Q। गुड। तो P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी इज इक्वल टू ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, तो क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, Q से P तक की डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमें O से P तक की डिस्टेंस पता है R, और हमें O से Q तक की डिस्टेंस पता है A, ये 2A था तो ये A हो जाएगा और ये भी ये। अब ध्यान सुनो, अगर आपको Q से P तक की डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करोगे, इस R डिस्टेंस में से इतना हिस्सा काट दोगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, Q से P तक की डिस्टेंस। मतलब अगर आपको Q से P तक की डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, R में से आप A को हटा दो, इस पूरे R में से अगर आप A को हटा देते हो तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी R माइनस A, क्लियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हम क्या पुट करेंगे, R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, माइनस क्यू है ना बेटा, तो मैग्नीट्यूड हम लेते हैं माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। डिस्टेंस कितनी, माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी, तो हम देखो ओ से पी तक की डिस्टेंस जानते हैं कितनी, आर, ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है आर, और ओ से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है ए, तो यहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस ए है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस ए, तो ये आर प्लस ए का, इतना क्लियर। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, E नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इतना क्लियर है बेटा। अब देखो 1 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, हम दोनों से इसे कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस e का होल स्क्वायर r का स्क्वायर। इतना तो आपको अच्छे समझ में आता होगा। इसके आगे मैं यहां पर लिख देता हूं, E is equal to Q by 4 pi epsilon naught। अब इसे आप क्या करोगे बेटा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, R minus R plus A का होल स्क्वायर माइनस R minus A का होल स्क्वायर। ये तो बनता है ना, आपको डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई। इसे ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का क्या था, स्क्वायर था, इसलिए मैंने क्या लगा दिया आपके, क्लियर। ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। देखो बेटा ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट चीज कर दी, तो ई इज इक्वल टू क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट टू ए आर, टू ए आर कितना हो गया बेटा, फोर ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना क्लियर दोस्तों, E is equal to, देखो 4 को हम 2 into 2 भी लिख सकते हैं, Q into 2 into 2 A R upon 4 pi epsilon naught R square minus A square का। अच्छा आप dipole moment जानते थे, dipole moment आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2aq। तो 2aq ये हमको दिख रहा है q और 2a, तो क्या हो जाएगा बेटा ये P, गुड। तो E इज इक्वल टू 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। इसे हम लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। कितना क्लियर है दोस्तों, हम बोर्ड पे जगह नहीं बची है तो मैं थोड़ा सा इसे रब करना चाहूंगा। आपने यहां तक देखा था बेटा, इसके आगे हम देखते हैं E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 pi r upon r square minus a square का। आप जानते हो बेटा कि ये डाइपोल की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, 2a जो डिस्टेंस है डाइपोल की प्लस की और माइनस की के बीच की, 2a बहुत छोटी डिस्टेंस है as compared to this point P। मतलब r जो है बेटा आपका बहुत बड़ा है, किससे बेटा, ए से। अगर आर बहुत बड़ा है ए से तो ए क्या हो जाएगा बेटा, नेगलेक्ट हो जाएगा।
तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4π0 2πr/r² का, क्योंकि ये तो मैंने लिखा क्योंकि ये बहुत छोटा था, तो E इज इक्वल टू 1/4π0 2πr/r^4। बेटा एक आर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचने वाला बेटा, E इज इक्वल टू 1/4π0 2π/r³। आप ये समझ गए ना, आर है, आर क्यू आर फोर है, ऊपर और नीचे से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आर की पावर 3 बचेगा। यही हमारा डेरिवेशन है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। पी क्या है बेटा यहाँ पे, डाइपोल। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कर देना। थैंक यू।